मुंह लगा दूंगा भाई, तू निकाल डालेगा भाई। तो आ गए हैं हम लोग नए वीडियो के साथ। आप जा रहे हैं हम लोग नाइट राइड के लिए। नाइट राइड कहाँ जा रहे हैं भाई? सापुतारा। सापुतारा फर्स्ट टाइम नाइट राइडिंग कर रहे हैं सापुतारा के लिए, क्योंकि हम लोग को देखना है सनराइज। सनराइज देखना है ना, चूल है ना सनराइज देखने की। तो हाँ, एक न्यूज मिली है कि सापुतारा में कहीं तो आसपास वहाँ पे टेंट खुला है, मतलब टेंट रेंट पे दे रहे और टेंट सिस्टम है, जैसे जैसलमेर में होता है छोटा मोटा वैसा ही है कुछ। तो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे रुकेंगे। कितना बजा अभी, टाइम क्या हो रहा है? इट्स 12:20। 12:20 हो गया। हाँ, 12:20 हो चुका है और ऑलरेडी हम लोग एक घंटा लेट है, क्योंकि कुछ कारणवश और कुछ लोगों की वश ऐसे होता रहता है हमारे साथ। इस बार हम लोग के साथ है दीपक है, माज है एज यूजल। कि ये वीडियो थोड़ा पहले आ जाएगा, स्पीटी रहे थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि डेटा थोड़ा करप्ट हुआ है तो थोड़ा रिकवर करने के लिए दिया है, तो रिकवर हो जाएगा तो वो फौरन आ जाएगा। जितना हो सके उतना जल्दी मैं ट्रेलर डाल दूंगा, पर उससे पहले ये वीडियो देख लो आप आज का। और वहाँ पे पेट्रोल भरा रहा है फजल मियाँ, ट्रायम्फ वाले, और अप्पू मेरी जान। अप्पू कैसा है? एक इसकी वजह से एक्चुअली हम लोग को एक घंटा लेट हुआ। चलो खैर कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से फटाफट निकलते हैं। दे रहा है दुरुस्त है, हम लोग फटाफट निकलते हैं यहाँ से। पेट्रोल फुल अप करवा लिया है, क्योंकि मैंने स्पीटी का जो पेट्रोल पूरा है आखिरी में वो यहाँ आके दम तोड़ा है स्पीटी का पेट्रोल। बस अभी ट्राइम बाबा आ रहे और हम लोग फटाफट निकलते हैं यहाँ से। हाँ, तो ट्राइम वाले भाई ने एग्जॉस्ट डलवाया। कौन सा एग्जॉस्ट है भाई? एग्रा वो इक्का है भाई, बहुत परेशान कर देता है यार। ये भाई तू थोड़ा दूर चला, हमारा सर दुखता है मालूम। नहीं मजाक कर रहा है भाई, टेंशन मत लेना। इसी वजह से भाई मैं दूर रहता हूँ मालूम। चलो भाई हम लोग फटाफट निकलते, बहुत लेट हो रहा है भाई। अभी स्टॉप पे चिकली का, ठीक है, 70 किलोमीटर चाय पानी पिए गए, नींद वींद तो थोड़ा नहीं आ रहा है। बहुत 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 फ्रेश है भाई, मास्क तो बहुत एक्साइटेड है भाई। हमारे स्पीटी राइड देख के, हमारे फोटोज देख के वो बेचारा थोड़ा वो हो गया है, नर्वस आ गया है। 5 minutes later। तो भाई मैंने ग्लव्स इसलिए नहीं पहने हैं क्योंकि ग्लव्स एक घूम गए मेरे, मुझे नए ग्लव्स खरीदने पड़ेंगे। एक ग्लव्स है वो थोड़े गीले हुए हैं, तो इसलिए मैंने बाहर सुखाने रखे पीछे, तो जैसे सूख जाएंगे वो मैं पहन लूंगा। और यहाँ पर स्पीड ब्रेकर। तो कर लिया भाई हम लोगों ने 67 किलोमीटर। छोटा सा बैग, छोटा सा लगेज। मरहबा मामना चिकन बंद है भाई। चलो यहाँ पे चाय नाश्ता कर लेते। हाँ भाई, वो ट्रैम वाले बाबा ने, हाँ ट्रैम वाले बाबा आ गए, क्योंकि वो लोग मिस कर दिया थोड़ा सा, इसलिए 25 मिनट में। हाँ 25 मिनट वाली। चलो हाँ, तो पहुँच गए हम लोग आर्केडिया टेंट सिटी पर। ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा, दो है यहाँ पे एक्चुअली में, एक वाटिका भी है और एक आर्केडिया भी है। वाटिका पहले आती है लेफ्ट में और आर्केडिया राइट में। भाई ये टेंट देख के तो कुछ जैसलमेर या अजमेर या ऐसे कुछ भी याद आ रही है। जैसलमेर का वो रेगिस्तानों में, रेगिस्तान भाई मजा आ गया भाई। अंदर एंटर होता है तो पागल हो गया। यहाँ मिट्टी है, यहाँ रेगिस्तान नहीं है। हाँ यहाँ मिट्टी है, आर्टिफिशियल मिट्टी है भाई। लोग आगे चले गए भाई। टेंट हम लोग ने लिया एकदम कोने में, क्योंकि मालूम है हम लोग भाई मस्ती और करने वाले, ताकि किसी और को डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हम लोग ने कोने वाला टेंट लिया है। अच्छा है, तो चलो टेंट तो आ गया हमारा, देख लीजिए भाई। बहुत खराब चपका लगेगा बेटा। क्यों क्यों? अपने अंदर ना शूज बाहर है, बहुत महंगा बोला। अगर तुमको नीफ आता है तो ये दोनों में निकाल दूंगा ना, खबेट डाल दूंगा। तू भी चलेगा? हाँ तो ये निकलो ना। हाँ फिर तो हम उसको आग ही लगा देंगे। नहीं नहीं नहीं, रहने दो भाई। भाई ये रहा हमारा छोटू सा टेंट भाई, छोटू सा टेंट, हम लोग 5 लोग रहने वाले। चाबी इधर डाल दे। बार्गेन यहाँ पे भी बार्गेन है भाई, यहाँ पे भी बार्गेन भाई, कहना पड़े। 1500 में अच्छा खासा दे दिया भाई अपने को। अब भाई के चश्मे उतरे ले, साउथ का वो अक्षय कुमार उतर दे। साउथ का अक्षय कुमार? साउथ में कौन सा अक्षय कुमार है? तू लग रहा है भाई, तू जैकी चैन लग रहा है। ठीक है चल कोई नहीं। हाँ तो अभी थोड़ा ये सब उतारते हैं, थोड़ा और जरा खाना वाना खाते हैं, पेट पूजा करते हैं।
बाहर कुछ ठंडी नहीं है भाई, नहीं है कुछ ठंडी नहीं है। मोबाइल चार्जिंग में है, यहाँ पे लगाई लो लिपस्टिक, यहाँ बज रहा था अभी फिलहाल तो। हाँ तो हम लोग ने अभी यहाँ पर ये सब बिछेर लिया, पसेर लिया है, उसने दो गड्ढे दे दिए है और हम लोग को सरप्राइजली, मुझे लगा यहाँ पे कुछ होगा नहीं, पर यहाँ पे सरप्राइजली अच्छा सा खासा भाई, बहुत मस्त है भाई। भाई एक एक जन को 300 रुपए में तो बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा। जैसलमेर में थोड़ी मिले, हाँ जैसलमेर में थोड़ी मिलेगा 300 रुपए में भाई। आजा जैसलमेर मत जाना, सापुतारा आ जाना, 300 रुपए पर रहते अभी बाजू में। हाँ अभी सुबह का सीन क्या नजारा है तो मालूम नहीं। हाँ भाई हम लोग ने तो अभी प्लान ये है कि भाई हम लोग जा रहे हैं नाश्ता पानी करने, आमलेट या फिर मैगी वैगी खाने के लिए। नीचे हम लोग ने होटल देखा था, कुछ खुला था तब वहीं जा रहे। सुबह में नज़ारा अलग ही होगा भाई, सुबह का नज़ारा देखने लायक होगा भाई। सोते हुए सो के उठ के देखेंगे। तुम देखना मैं तो सो रहा हूँ, मैं भी तो सो ही रहा होगा ना, पंजाब कभी ना कभी तो सुबह होगी ना अपनी। चलो बाइक पे बैठते हैं और फिर जाते हैं नीचे की ओर, वही सर्कल के पास। चलो 10 seconds later तो ये किसके कितना यहां तक जाते हैं साथ, ये तो यहां तक जाता है पूरा। ओहो इतनी दूर जाता हो गया। ओ ओ भाई, वो गिरने के बाद हाथ और लंबा हो गया भाई तेरा। नहीं ये देख, ये हाथ है ना, ये हाथ है ना, ये देख छोड़ छोड़ लो बेटा, ये देख यूं हुआ। हां अभी ये इधर नहीं आया। अच्छा ऐसा हो गया, इधर नहीं आता है। क्या यहाँ पे अगर अगर आप गिर जाते हो और आपको मसाज सीखना है, कुछ भी योगा वोगा करना है तो आपके पास आ जाना। अपू ये भाई हमारे बहुत अच्छा स्ट्रेचिंग करवाते हैं। छोड़ यार, थोड़ा ही है ना लेना, सीधा तो खड़ा रहे। हाथ बाहर नहीं आ जाए भाई, हाथ बाहर नहीं आ जाए, वापस नहीं गिर जाए। हाँ बराबर है, घर पे पड़ा है तो टेंशन मत ले, मेरे पास उस रिलीज पे है, तुम आके मैं तो मुंह लगा दूंगा भाई, तू निकाल डालेगा भाई। मत कर देगा कुछ नहीं। ठीक है चलो, तू हमारे ऑडियंस को डेमो बता कैसे हुआ। कोई माज बताएगा, माज मैंने तू बहुत अच्छा किया था, माज बताएगा। देखो एक मिनट, हम लोग कूद रहे थे ऐसे ऐसे करके ना, ये भाई से करके गिर गया। अब तू बता, अब तू बता कैसा कैसा हुआ ये, कैसे हुआ ये नहीं बताना। चलो कोई नहीं, आ रहा था 3-4 गुलाटी मार के नीचे चला गया पूरा, दीपक का दीपड़ा हो गया। तो भाई हम लोग आए हैं यहाँ पे मार्केट एरिया में साबुदारा के पास, चाय टी सेंटर के, मैगी वैगी मंगाया, चीज मैगी, नॉर्मल मैगी, बलाना ढिमकड़ा मैगी, पोहा भी है यहाँ पे, काफी अच्छा है भाई। ब्रेड बटर खानी, चाय चाय नाश्ता करते फिर जाएंगे वापस स्टैंड पे, मजा आया। तो फिलहाल तो हम लोग आ चुके हैं भाई सनराइज पॉइंट पर, सोए तो नहीं हम लोग, थोड़ा मस्ती मजाक कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे। वो रखी है हमारी बाइक देख लो, और बाजू में हार्ली डेविडसन वो खड़ी है, मजा आ रहा है। और कुछ ही टाइम में, अभी कितना 5 मिनट में ना, 5 मिनट में बस सनराइज होने वाला है। हमारी गाड़ी भी छोटी सी खड़ी है, बस हमारे ग्रुप वाले भी आ रहे हैं तो थोड़ा मचाएंगे। हाँ थोड़ा मचा देंगे हम लोग भी, जरा हम भी हमारा हमारा जलवा भी दिखा देंगे, हॉरर एंड राइडर्स। बस थोड़ा यहाँ पर टाइम लैप्स रख देते भाई, सनराइज उधर से होगा ना, एक टाइम लैप्स रख देते, जुगाड़ करते टाइम लैप्स का, टाइम लैप्स रखते और फटाफट बताता हूँ मैं तुम्हें क्या करने का। ये सनराइज पॉइंट भाई, मैं तो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम आया हूँ सापुतारा। वैसे 770 किलोमीटर तो हम लोग सनसेट पॉइंट पे ही जाते थे, सनराइज पॉइंट कभी आए नहीं है क्योंकि इतनी रात में कभी हम लोगों ने ट्रैवल ही नहीं किया। और देखो यार नज़ारा इधर का यार, खैर जल्दी से फटाफट निकले, यहाँ का माहौल तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है यार भाई, बारिश में आने लग चुके हैं, बारिश में आएंगे कभी, सनराइज के लिए खास आएंगे बारिश में। सन बस बाहर आने को ही है, यहाँ पे टाइम लग सकता है और ये आंटी बीच में हलने का नाम ही नहीं रही, बहुत बढ़िया यार। भाई आज मैंने कितने टाइम के बाद ये सूरज दादा निकलने के से पहले चाय पी रहा हूँ, जाते थोड़ा सोते
सोए नहीं पूरी रात से, सोते फिर सुबह में कब उठते कोई आइडिया नहीं है। चलो हम निकलते यार। 3 hours later तो ये है भाई आज का हमारा स्टे साबुदारा में। हमारा टेंट वो लास्ट वाले पे, जैसे बाकी सारे टेंट्स। 2 hours later तो बिताया हम लोग ने यहाँ पे हमारा थोड़ा सा प्राइवेट टाइम, सुकून से रहे। टेंट में तो हम लोग रह नहीं सके क्योंकि जो 11 बजे से जो गर्मी चालू हुआ, 4 बजे तक ऐसा गंदा गर्मी था। हम लोग यहाँ बारिश हुए थे और वो पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे मस्त वहाँ पे खाटला था, खाटला बोलते ना उसको, खाटले पे हम लोग मैं और फसल सो गए थे। मस्त हवा चलने लगी और क्लाइमेट थोड़ा ठंडा हुआ, मतलब दोपहर में थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे यार, क्योंकि यहाँ पे एसी भी नहीं है ना, एसी नहीं है। तो हम यहाँ से निकलने की तैयारी में है। अभी हम लोग जाने वाले हैं कहाँ पर, अभी सनसेट पॉइंट पर, जो कि यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर पर ही है। वहाँ पे थोड़ी फोटोग्राफी करेंगे, हाँ टेबल पॉइंट है वहाँ पे, फोटोग्राफी करेंगे, फिर निकलेंगे घर के लिए, खाना वाना खाएंगे बस, फिर व्लॉग वहीं पे एंड करेंगे। तो कैसा, शायद आपको अच्छा लगा हो ये टेंट, अगर आना हो तो फिर मैं दे देता नाम और फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में, आप कॉन्टेक्ट कर लेना। अच्छा है, सेल्फ सर्विस है, उसको बुलाना पड़ेगा भाई ये ले आके दे, पानी ला के दे, वो ला के दे। हाँ, और गर्मी में तो मत आना, अगर एसी लगने वाला है, उसने बोला 10-15 दिन में एसी लग जाएगा कुछ कुछ टेंट में, तो आ सकते, बाकी तो मुश्किल है भाई। चलो तो अब निकलते हैं यहाँ से। हम लोग ने, हमारे पास फुल स्टैंड नहीं है ना, तो हम लोग आर्टिफिशियल फुल स्टैंड बनाया हमारी बाइक के लिए। तो अभी ये ऐसे ही है, अच्छा है, और उसको धक्का मार के पूरा बाहर निकालना पड़ा तो ही निकलेगा, बाकी ऐसे नहीं निकलने वाला, बराबर ना। तो वहाँ पर हमारी 2 बाइक्स खड़ी है, और ये बाइक हमारी है, बर्न आउट्स लिए। स्लो मोशन देखो आप, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। चलो स्लो मोशन देखो बर्न आउट्स के। तो ये है भाई टेबल पॉइंट सापुतारा का, जो रास्ता नीचे से जा रहा है वो महाराष्ट्र नासिक की तरफ जा रहा है मेरे ख्याल से, नासिक वाला रास्ता है, और हमको जाना है पीछे की तरफ से। तो हम लोग जाएंगे अभी यू टर्न मार के। चलो तो भाई बच गया है 7, थोड़ा नींबू शरबत और ज़रूरी ज़रूरी छोटू मोटू सब ब्रेकफास्ट कर लिया हम लोगों ने, और निकल रहे हैं अब सापुतारा टेबल लैंड से, सनसेट पॉइंट से नीचे की ओर। और कितना स्टीप है यार, कितना डाउन ही रही है। हाँ तो बस अब तो अंधेरा होने वाला है, तो आपने ऑलमोस्ट सापुतारा देख लिया, और जो हम लोग टेंट में रुके थे वो तो सब देख लिया। तो बस अब व्लॉग एंड करने का टाइम आ चुका है,